कुकिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट जलेबी, जो कि ठंडे मौसम में खाने में ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ठंडे मौसम के लोग उस टाइम ज़्यादा जलेबी खाते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 2 चम्मच दही। इसी आइटम में ही बन जाएगा हमारा जलेबी। चलिए जलेबी के लिए हम बैटर तैयार करते हैं। अब डालते हैं इसमें मैदा 2 चम्मच, दही। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, ज़्यादा पानी नहीं। इसके लिए हमें बैटर पतला नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ी चाहिए। इसीलिए पानी डालते वक्त ध्यान रहे, ज़्यादा पानी नहीं, पानी कम डालना होगा हमें। अब देखिए हमारा जो बैटर है ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं चाहिए कि पानी आप पूरा कम कर दो और वो बने ही नहीं। ऐसे ही हमें बैटर बनाना है, ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं, मीडियम साइज़ का बनाना है, ताकि हम जब जलेबी कढ़ाई पे छोड़ेंगे ना वो आसानी से निकले, फ्रेम से निकले। अब उसे हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब बैटर को हम 2 से 2.5 घंटा छोड़ देंगे। उसके बाद उसे तलेंगे। देखिए पानी मैंने ले लिया है। इसमें ना अगर आप 3 कप चीनी लेते हैं तो 1 कप पानी लेना पड़ेगा। मैंने तो 1 ही कप चीनी लिया है, तो थोड़ा सा पानी लिया हूँ मैं, बहुत ही कम पानी लिया हूँ। और इसमें मैंने इलायची डाल दिया है। अब इसमें हम पानी भी बॉईल हो गया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। अब देखिए हमारा चाशनी बन के हो गया है तैयार। चाशनी जलेबी के लिए हमें 3 से 4 चार होना चाहिए। ये देखिए हमारा चाशनी बिल्कुल हो गया है। अब हम इसे ठंडा के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक पैन में तलने के लिए तेल ले लिया है। ज़्यादा तेल नहीं लिया है, बहुत ही कम तेल लिया है मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल ले जाएंगे तो जलेबी अच्छे से बंधेगा नहीं, वो हम डालेंगे और वो हंसने लग जाएगा, इसलिए कम तेल लिया है मैंने। देखिए मैंने एक कवर ले लिया है, ताकि इसके अंदर बैटर को डाल के जलेबी के लिए मैं वो मावा डाल के जलेबी बना सकती हूँ। आपको चाहिए तो मार्केट में इसके लिए मिल रहा होगा, मोटा सा कपड़ा मिलता है, या कोई कोई इसी कवर में ही बनाते हैं, इसलिए मैंने एक कवर ले लिया है। इसके अंदर अब मावा को डाल देंगे। अब हम इसमें मावा को डाल देंगे। देखिए कवर को मैंने 3 तरफ से ऐसे बांध दिया है। यहाँ से हम होल करेंगे ताकि हमारा जलेबी निकल पाए। हमें बहुत बड़ा होल नहीं चाहिए, छोटा सा होल चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही छोटा होल बना रही हूँ उसका। देखिए बहुत छोटा होल बना है। अब चलिए उसे तलेंगे। तेल भी मेरा गर्म हो गया है, अब जलेबी तैयार करेंगे। देखिए एक साइड मेरा ब्राउन हो गया है, पलट देंगे हम उसे। इसे जलेबी ब्राउन हो जाएगा तो उसे निकाल लेंगे। दोनों तरफ उसे ब्राउन करने के लिए छोड़ें। क्रिस्पी दिख रहा है। याद रहे बैटर बना के 2 से 2.5 घंटा हमें उसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा से जलेबी बन जाएगा हमारा। देखिए मेरा जलेबी बन चुका है, मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब उसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में मैंने थोड़ा सा कलर यूज़ किया है, ताकि जलेबी का कलर अच्छा है। जलेबी को ना चाशनी में इसे डुबा के 1 मिनट के अंदर बाहर निकाल देना है। देखिए सारे को हमने ऐसे ही कर लिए। हाँ देखिए
शेप भी कितना अच्छा तैयार है। फूल जितना मतलब छोटा होगा ना जलेबी उतनी अच्छे से निकल पाएगी, पतला बन के निकलेगी। फूल बड़ा हो जाएगा तो जलेबी बहुत मोटा निकलेगा। देखिए हमारा जलेबी बन के हो गया है तैयार, कितना अच्छा दिख रहा है, क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बनी है। देखिए मैं उसे तोड़ के दिखाती हूँ, रसेली भी है और बहुत ही क्रिस्पी भी है, इसे देखते ही खाने का मन करेगा। ठंडे के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है ऐसे जलेबी खाने का सबको, बच्चे भी खाने के लिए पसंद करते हैं, बड़े भी खाने के लिए पसंद करते हैं। ऐसे हलवाई के पास आप जाओ खरीदो, टाइम जाता है, मन हुआ तो घर पे बना लीजिए, आसान तरीका है, और अपना मन चाहे वक्त पे खा लीजिए। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।